हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन की कोई नई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले मैं आप लोग अपने चैनल पे इन्फॉर्म करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से वैकेंसी है, किस कंपनी के लिए है, किस कंट्री के लिए है, इसके अलावा कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ूँ लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है वो है कतर से। कतर में इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र है उनकी दो कैटेगरीज है, एक वो सुपरवाइज़र जिनके पास बीटेक है और एक वो सुपरवाइज़र जिनके पास डिप्लोमा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर बीटेक है तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल्स में या फर्टिलाइजर्स में या फिर गैस प्लांट में। अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा या बीटेक है, इसके अलावा ये वर्किंग एक्सपीरियंस है इन फील्ड में, तो फिर आप लोग आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि ये केरला में ऑफिस है स्काइलोटेक ओवरसीज, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर अपने ईमेल को अपने ईमेल आईडी से सीवी को मेल करना होगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग केरला में हैं तो डायरेक्ट जा करके वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसी कंपनी में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के पास आईटीआई होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी चलेगा, लेकिन आईटीआई है तब भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कम कंपनी आईटीआई वाली को लेती है, तो यहाँ पे आईटीआई वाले को मांगा जा रहा है। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तब अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सही है। तो अगर आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंट फील्ड में, इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल तो आप लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेम ऑफिस केरला में है स्काइलोटेक ओवरसीज, वहाँ पे जाकर के कॉन्टैक्ट करना होगा। अब जो यहाँ पे दूसरी वैकेंसी है वो है यूएई के लिए। तो यूएई में टेक्नीशियन हेल्पर, यानी कि जो लोग इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग टेक्नीशियन हेल्पर में जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को एमघी वाला ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना होगा, जो कि ऑफिस मुंबई में है। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है वो है कुवैत से। कुवैत में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के पास आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस के कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आप लोगों को ये सिंक्लेस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई में ऑफिस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर अपने अपने सीवी को यहाँ पे मेल करना होगा। जो अगली वैकेंसी है वो है यूएई से। यहाँ पे ऑयल एंड गैस का ऑफशोर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, यानी कि ये ऑफशोर का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये ऑफशोर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की ज़रूरत है ऑफशोर के लिए और ये तीन महीने का प्रोजेक्ट है। आप लोगों को 3 महीने के लिए बुलाया जा रहा है। तो कैंडिडेट के पास आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफशोर में, ठीक है? 5 साल का कम से कम ऑयल एंड गैस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ऑफशोर में कम से कम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। अगर आपने इससे पहले कभी भी कितने ही दिन भी अगर आपने काम किया है ऑफशोर में, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप लोगों को सेम ऑफिस यानी सिंक्लेस मार्केटिंग सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, वहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर दिए हुए ईमेल आईडी पे अपने सीवी को सेंड करना होगा। यहाँ पे जो आखिरी वैकेंसी है वो है कतर से। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन लेवल 1 और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन लेवल 2 की ज़रूरत है। अब लेवल 1 टेक्नीशियन वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या बहुत ही कम काम किए हैं, जो जूनियर हैं टेक्नीशियन, उनको लेवल 1 कहा जाता है। और जो लोग सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हैं उनको लेवल 2 कहा जाता है, ठीक है? तो इन दोनों के पास कम से कम आईटीआई होना चाहिए। अब जो जूनियर यानी कि लेवल 1 के टेक्नीशियन है उनके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी जो सैलरी होगी वो 1100 प्लस 300 रियाल होगी, यानी कि 1400 रियाल इनकी सैलरी होगी। अब जो लेवल 2 के टेक्नीशियन है उनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप लोग सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। तो सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो है 1800 प्लस 300 यानी कि 2100 रियाल टोटल सैलरी है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये स्काइलोटेक ओवरसीज ये जो ऑफिस है मुंबई केरला में, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा। केरला में ये ऑफिस है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें या फिर दिए हुए ईमेल आईडी पे अपने सीवी को सेंड करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।